ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा ने हमें देह से न्यारा होने का बहुत सुंदर डायरेक्शन दिया है, क्योंकि ऐसे विधि होने से ही हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं, हम बहुत पवित्र बन जाते हैं, हम योगयुक्त रह सकते हैं, हम विदेही स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐश्वर्यपन विदेही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है जो जानना परम आवश्यक है। ऐश्वर्य हम बार बार अभ्यास करेंगे, अपने देह को देखो और संकल्प करें, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो मस्तक के मध्य में चमकती हुई ज्योति स्वरूप मणि हूँ, मैंने तो इस देह में प्रवेश किया है। तो स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करना, मैं आत्मा स्तन में आई हूँ, मैंने इसका आधार लिया है, ऐसी फीलिंग में रहना, यह है बॉडीलेस स्टेज, है शरीरीपन। इससे हमारे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, चित्त गहन शांति की ओर चलने लगता है, हम डीप साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं, हम इससे परम धाम की स्वीट साइलेंस का अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये अभ्यास हमें बहुत बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास के बाद और योग करते करते हम बन जाते हैं आत्माभिमानी, अर्थात आत्मा के सातों गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं, हम उनका स्वरूप बन जाते हैं, चित्त पूरी तरह से निर्मल बन जाता है, भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं, हमारे सभी संकल्प महान और पवित्र हो जाते हैं, हम प्यार की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, शांति के भंडार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित और संपूर्ण सुखों की अनुभूति में रहते हुए परम आनंद की फीलिंग में रहते हैं, और बन जाती है हमारी विदेही स्थिति अर्थात योग युक्त स्थिति, जिसके लक्षण होंगे हम उपराम होंगे, अनासक्त होंगे, निर्मोही होंगे, न्यारे और प्यारे होंगे, निर्भय होंगे, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, कहीं भी कोई आसक्तियां नहीं रहेंगी, इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, अपने आनंद में ही आनंदित रहेंगे, त्याग और वैराग्य की प्रत्यक्ष चेतन प्रतिमूर्ति बन जाएंगे। ये देही अभिमानी स्थिति विश्व का कल्याण करने वाली है। जब हम नेचुरल रूप से आत्माभिमानी हो जाएंगे और हमारी दृष्टि केवल आत्मा पर जाएगी, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब हम चेतन चमकते हुए तेजस्वी सितारे इस संसार में बहुत चमकेंगे, हमारा प्रकाश चारों ओर के अंधकार को दूर करने लगेगा और भक्तों को मस्तक में चमकती हुई ज्योति का दीदार होने लगेगा। तो हमें मेहनत करनी है, चलते फिरते कर्म करते हुए शरीरी होने की, आत्माभिमानी होने की, विदेही होने की। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत ही सुंदर हो सकती है। सारा दिन हम देखते हैं, बीच बीच में 10 बार कुछ दिन तक अभ्यास कर लें, मैं आत्मा आँखों द्वारा देख रही हूँ, लिखेंगे तो भी आँखों द्वारा देखेंगे, ये एक अभ्यास ही काफी हो जाएगा। इसके अभ्यास से हमें फील होगा ये नैन मेरी खिड़कियां हैं और मैं आत्मा इनके पीछे बैठकर इन नैनों के द्वारा बाहर के दृश्य निहार रही हूँ। तो आइए आज सारा दिन हम इस सुखद फीलिंग में रहें और अतिंद्रिय सुख का अनुभव करें, क्योंकि भगवान वाच है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो आज सारा दिन का अभ्यास
ऐसा दीदीपन और मैं आत्मा परम पवित्र मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें पूरे देह में ब्रेन में फैल रही हैं और कर्म इंद्रियों को शीतल कर रही हैं और साथ में जब दूसरों को देखेंगे तो मस्तक में चमकती हुई मणि। ओम शांति।